हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ दिन पहले जीडी का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो अब हम सोच रहे हैं कुछ नया किया जाए। नया ये कि टॉपिक वाइज कुछ पढ़ाई किया जाए, जिससे क्या होगा कि आपको उस पर कमांड हो सके और जहाँ से श्योर हो कि कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में एक मार्क्स दो मार्क्स आते ही हैं। तो आइए, आज जो हम लोग शुरू करने वाला है उस चैप्टर का नाम क्या है? विटामिन। क्या नाम दोस्तों? विटामिन। ठीक है, आइए चलते हैं बोर्ड पर। दिया हुआ है विटामिन। कि विटामिन क्या है? लैटिन भाषा है, बीटा प्लस अमीन। विटामिन क्या होता है? लाइफ, यानी कि जीवन। ठीक है, तो जो जीवन के लिए जरूरी है उसे क्या बोलते हैं? विटामिन। विटामिन क्या होता है? कि कार्बनिक पदार्थ। क्या है ये? एक कार्बनिक पदार्थ है, मतलब कार्बन से बना हुआ है। ठीक है ना, इससे को हमारे शरीर में मात्र थोड़ा सा, बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ता है हमारे शरीर को, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमको मतलब कैसा नहीं है कि हम विटामिन लेंगे तो मोटा हो जाएंगे, नहीं। ये हमारे शरीर के अंदर जो भी कमियां होती है ना, जिसे रोग होते हैं, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन का खोज जो हुआ था वो कौन किए थे? ल्यूनिन और हॉपकिंस ने किया था। कौन कौन? ल्यूनिन और होपकिंस ने किए थे। कौन? विटामिन की खोज। लेकिन नाम इन्हें रख पाए, होता है ना, घर में बच्चा पैदा हुआ, नाम कौन होता है? 6 महीने बाद, 3 महीने बाद नाम कौन कौन करता है? कोई और करता है। उसी तरह से विटामिन का खोज किए थे कौन? ल्यूनिन और होपकिंस ने। लेकिन नाम कौन दिया था भाई? फंक ने। कौन? फंक ने। ठीक है, तो फंक ने विटामिन नाम दिया था। और विटामिन के स्टडी होता है ना, अध्ययन जिसे बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। ठीक है, ओके। जो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर, चाहे इस दुनिया में जो खोज हुआ था विटामिन का, उसका नाम है विटामिन सी। ओके, आगे देखते हैं। तो विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करता है। ये हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। शरीर का निर्माण नहीं करता है, मोटा पतला विटामिन के ऊपर नहीं करता कि हम विटामिन लेंगे, ये विटामिन लेंगे तो मोटा हो जाएंगे, ये लेंगे तो पतला हो जाएंगे। ये हमारे हेल्थ को कंट्रोल करता है, मतलब कि जो शरीर के अंदर जो थोड़ा बहुत कमियाँ होती है, जिसकी होती है ना, आँख खराब होने लगता है, ओठ फटने लगता है, मतलब चेहरा खराब होने लगा, मोटापा हो गया, बहुत सारा चीज़ होता है, जिसके लिए विटामिन क्या आता है? बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन जो है उसको हम दो प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। एक होता है क्या? वसा में घुलनशील, यानी कि फैट, और दूसरा क्या होता है? जल में घुलनशील। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, शुरू के कुछ पढ़ेंगे, वो क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन। वो क्या होता है? ए डी ई के। ये चार विटामिन जो होते हैं, कौन कौन दोस्तों? तो ए डी ई के, ये चार जो होते हैं, ये क्या है? वसा में घुलनशील है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ दिन तक रहते हैं, ये रहते हैं। लेकिन बच कौन गया है? बी और सी। देखिए यहाँ पर बी और सी गायब है। तो बी और सी जो होता है ना, वो जल में घुलनशील है, और जो बी और सी विटामिन है, ये उतने देर तक ही है, जैसे कि हम कुछ खाएं, विटामिन बी वाला आइटम खाएं या विटामिन सी वाला आइटम खाएं, और खा क्या किए, जब तक खाएं ठीक है, शरीर में है, जैसे ही हम टॉयलेट कर गए, बाथरूम गए, या फिर बाथरूम यूज किए, मतलब बाहर, कौन? बी और सी। तो बी और सी हमारे शरीर में तब तक ही है जब तक हम बाथरूम नहीं गए, मतलब कि पेशाब या लैट्रिन जो होता है वहाँ नहीं गए, नहीं किए। ठीक है, ध्यान में रखें दोस्तों कि बी और सी इनकमिंग आउटगोइंग रहता है, खाते जाइए निकालते जाइए। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि ए डी ई के। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या? विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है ना, ये सबसे मेन होता है हमारे आँखिया के लिए, इसके लिए आँख के लिए, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का जो नामकरण है, नाम है, उसे क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, इसको जो खोजे थे वो कौन थे? मैकुलन। जनरली मैकुलन जो है, और विटामिन ए भी खोजे हैं और विटामिन बी का भी खोज किए हैं। ठीक है, तो विटामिन ए का खोज कौन किया था? मैकुलन ने।
इसे एंटी इंफेक्शन विटामिन तथा एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। इसे धीट कहते हैं, क्या कहते हैं? धीट विटामिन। और धीट समझते हैं होता है ना, घर में, परिवार में, चाहे गांव में, एरिया में, ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर किसी लड़ जाते हैं, वही विटामिन ए है। कोई भी रोग हमारे शरीर पर करता है ना अटैक, पहले पहुंच जाएगा, रुक हम है अभी लड़ा पलम से। विटामिन ए जो है क्या है, इसीलिए इसको क्या रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है इसको, रोग प्रतिरोधक विटामिन। ध्यान रखिएगा कि विटामिन ए को हम लोग रोग प्रतिरोधक, माने क्या रोग आ रहा है, बीट मिला देना, बैरियर लगा देना, रोग लगा देना, रुको इस शरीर में तुम नहीं घुस सकते हो क्योंकि यहां पर मेरी मात्रा अधिक है। तो दोनों लड़ेंगे, पहले रोग लड़ेगा, विटामिन ए लड़ेगा, तब तक जो उस रोग के लिए सुटेबल विटामिन है वहां पहुंच जाएगा और उसको वही रोक देगा। ठीक है, इसलिए विटामिन बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते आगे, तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से जो मेन रोग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, रतौंधी। अब बोलेंगे रतौंधी क्या होता है, होता ये है दोस्तों कि जैसे ही किरण डूबा, यानी शाम हुआ, रात हुआ, दिखना ही बंद हो जाएगा। क्या होगा, दिखना ही बंद रहेगा, सूर्य के रोशनी में सब कुछ ठीक है, रतिया आंख गायब। इसे बोलते हैं क्या, रतौंधी। मतलब सिंपली वो है, बोले हम तो कम लाइट में आंख से दिखना कम हो जाता है। और ये जो रोग होता है ना, ये जनरली औरतों में होता है। आप बोलेंगे कि औरतों में क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे औरतें गांव में क्या होता है कि मतलब कि एक बच्चा पैदा की, दो बच्चा पैदा की, तीन बच्चा पैदा की, चार बच्चा की मार लगा दी है। तो बच्चा पैदा होने से क्या होता है कि शरीर उनका वीक हो जाता है, उनके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनको रतौंधी होने हो जाता है। ठीक है, आइए इसी को, किसको, रतौंधी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निक्टोलोपिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, निक्टोलोपिया बोलते हैं। अब इससे और क्या होता है, इस अगर विटामिन ए कमी हो जाएगा तो हमारा आँख में जो आंसू बनता है ना वो रुक जाएगा। अब आंसू नहीं बनेगा तो जो आंखिया में गंदगी घुसता है, जो चलते फिरते हम लोग रटवा पाए, धूल घुस गया वो निकलेगा ही नहीं, तो आंसू बनना रुक जाता है। ठीक है, और क्या होता है, दुनिया में, पूरा दुनिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अंधेपन के कारण क्या है, विटामिन ए की कमी। और तो और बच्चों के वृद्धि भी के रुकावट कौन है, विटामिन ए। मतलब कि विटामिन ए बबुआ तुम्हारा शरीर में कम हो तो बहुत कुछ हो सकता है, एक तो आंख जाएगा, दूसरा कोई रोग तुम पर अटैक कर रहा है तो उसे लड़ने का कुछ नहीं बचेगा, तीसरा बच्चे लोग जो होते हैं, बाल बच्चे जो जन्म लेते हैं वो अंधे पैदा होंगे, चौथा ये है दोस्त मेरे कि वृद्धि नहीं हो पाएगा, मतलब कि शरीर डेवलप नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा जिस तरह से होना चाहिए। देखे होंगे आप लोग कि कुछ बच्चे जन्म लेते हैं छोटे छोटे होते हैं, मैं जितना उनका वेट होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उस समय उस माँ जिसके पेट में बच्चा था, आयरन और विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, चलिए तो जनरली क्या होता है कि जानते हैं कि प्राप्ति स्रोत कहाँ पाया जाता है, कौन विटामिन ए दोस्तों, वो है गाजर, मक्खन, दूध, पपीता, आम, पालक, मछली, यकृत, तेल और टमाटर। पॉइंट भी जान लीजिए, जनरली क्या होता है, जितना भी पीला फल होता है ना, वह फल जो पक्का हुआ पीला रंग का होता है, उन सब में विटामिन ए पाया जाता है। और इसमें एक नाम दिया है पपीता, ये देखिए पपीता, पपीता जो होता है दोस्तों उसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं, जितना विटामिन है ना सब एक पपीता में पाए जाते हैं। ठीक है, और विटामिन ए का जो उत्तम स्रोत बोलते हैं वो कौन होता है, गाजर होता है। जो गाजर देख रहे हैं ना, ये इसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और हर इंसान को प्रत्येक दिन एटलीस्ट 150 ग्राम विटामिन खाना चाहिए। ठीक है, कितना, 150 ग्राम। ओके दोस्तों, चलिए ये रहा विटामिन ए के बारे में। ठीक है, खुदा कौन, मैकलन ने, ये क्या करता है भाई, ये एंटी कैंसर है, एंटी रोग रोकता है, रोग को रोकने वाला है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आंसू नहीं बनेगा, और क्या होगा, तो बच्चे जो पैदा होंगे वो अंधे पैदा होंगे, और क्या होगा, हाइट यानी कि शरीर का डेवलप ऐसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो गाजर में, मक्खन में, दूध में, पपीता में, आम में, पालक में, मछली में, एकृत तेल में,
और एक चावल भी होता है, क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस, क्या बोलते हैं दोस्तों, गोल्डन राइस चावल का नाम है, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। जनरली चावल में विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन एक विटामिन ऐसा भी है, कौन, एक चावल ऐसा भी है, कौन, गोल्डन राइस, जहाँ पर विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और एक आदमी का दैनिक मांग लगभग 150 ग्राम विटामिन ए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन डी की तरफ। बाप बोलिए कि बी और सी कहाँ गया दोस्तों, बी और सी हम लोग लास्ट में करेंगे, सी तो करेंगे आज, लेकिन बी के लिए हमको अलग से लेकर आना पड़ा वीडियो, कि बी जो है थोड़ा लंबा है और एक साथ करने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ए डी ई के और सी हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डी, डी का देखिए नाम क्या है, खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस, कौन है, हॉपकिंस, इसका खोज कौन किया था, हॉपकिंस ने किया था, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह कि इसका नाम क्या है, तो विटामिन डी मतलब क्या, हड्डी होता है, ठीक है, विटामिन डी कम इसका होता है, हड्डी वाला जो होता है सूखा हो गया, हड्डी कमजोर हो जाएगा, तो विटामिन डी का नाम कौन क्या हुआ, कैल्सिफेरॉल, क्यों भाई, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इसलिए विटामिन डी का नाम क्या कहा गया, कैल्सिफेरॉल। इसको खोजा कौन था, हॉपकिंस, इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी से मिलता है हमको ये, सुबह सुबह उठिए और धूप में जाकर बैठ जाइए, विटामिन डी मिल जाएगा, कुछ नहीं करना आपको है, ठीक है। तो सबसे आसानी से मिलने वाले हमको विटामिन डी, और ये जरूरी बहुत है, अगर विटामिन डी कमी हो जाएगा ना तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसे सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेटस विटामिन भी कहते हैं। अभी रिकेटस क्या है, रिकेटस जो होता है ना ये छोटे बच्चों में होता है हमारी, आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे लोग को कि पेटवा इससे निकल जाता है, और टंगरिया जो पैरवा होता है ना पतला हो जाएगा, लकड़ी लगा दिया उससे, उसको यही रोग हुआ रहता है, कौन, रिकेटस, ठीक है। तो उसको मतलब क्या, उसके शरीर में विटामिन डी की कमी है। और आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों में क्या होता है, रिकेटस होता है, यानी सूखा रोग बोलते हैं जिसको, ठीक है। और वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ये ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब जितने उम्र बढ़ते जाएगा तो क्या होता है, आदमी की हड्डियाँ होती है जो कमजोर हो जाती है, जैसे ही उम्र बढ़ता है तो आदमी की जो हड्डी होता है क्या होता है, कमजोर हो जाता है, और हड्डी कमजोर होने से क्या होता है, ऐसा झुक जाएगा। आप देखेंगे हमारे गाँव में, अपने गाँव में, अपने अगल बगल में जो बूढ़े लोग होते हैं धीरे धीरे ऐसे रहते हैं, अभी हम लोग ऐसे टाइट रहे, क्या होगा, उम्र ढलता जाएगा, हड्डी कमजोर होता जाएगा, यानी मुलायम, क्या हो जाएगा, हड्डी मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और झुकने लगेगा, ऐसे 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 उसको उठने में बैठने में क्या होगा, दिक्कत होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। इसके कमी से हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं, किस कमी से, विटामिन डी की कमी से। और प्राप्ति स्रोत कहाँ है दोस्तों, कहाँ मिलता है, एक तो बताई दी है, सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश, दूसरा क्या है, मक्खन खाइए, सब्जियां खाइए, मांस खाइए, लीवर खाइए, दूध, अंडा, इस सब में क्या होता है, विटामिन डी रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सबसे मेन स्रोत क्या है विटामिन डी का, सनलाइट, मतलब कि सूर्य की प्रकाश, ओके। और इसका एक बैड इफेक्ट भी है कि गर्भ निरोधक दवा होता है जो ना, जो लेती है कौन, औरतें लेती हैं, ये खाने से कौन, गर्भ निरोधक दवा खाने से विटामिन डी हो जाता है खत्म। यानी कि मान लीजिए आप, हम जो भी विटामिन डी आज प्राप्त हुआ मेरे को, अगर कोई लेडीज पर्सन हुआ, कोई लेडीज है उसको भी प्राप्त हुआ विटामिन, अगर वो उस दिन खा ली दवाइया कौन, गर्भ निरोधक, तो उसके शरीर में विटामिन डी उस दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक दिन एक हर इंसान को विटामिन डी का 400 इंटरनेशनल यूनिट लेना जरूरी है, कितना, 400 इंटरनेशनल यूनिट प्रत्येक दिन लेना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार फिर से क्या पढ़ते हैं कि विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल नाम है, कौन खोजा इसको भाई, तो हॉपकिंस ने, इसे क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेटस विटामिन बोलते हैं, और यह हड्डियों और दांतों के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगर ये ना रहे तो हड्डी और दांत दोनों कमजोर हो जाए। चौथा क्या, बच्चों में क्या होता है, रिकेटस यानी सूखा रोग, जिसे क्या होता है, शरीर के बच्चे के शरीर की हड्डियाँ कमजोर रहती हैं, पतला लिकली की हो जाएगा लकड़ी जैसा, ठीक ना, माने पेट से बाहरी हो जाएगा पूरा फूल गया, और एकदम शरीर हाथ पैर रखेगा सुखंडी, लगता ही नहीं कि भाई कौन इंसान है भाई। और बुढ़ऊ में यानी इसका उम्र ढल गया, उसको क्या होता है, ऐसा बीमारी जिसमें हड्डी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। प्राप्त स्रोत क्या है, सनलाइट, कौन, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, मक्खन, सब्जियाँ, मांस, लीवर, अंडा, दूध, इस सब में विटामिन डी रहता है, ठीक है। तो
यहाँ दो चीज मेन ध्यान दीजिएगा, दूध और सनलाइट दो है जो ना, इसमें मुख्यतः अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, दूध पीने से भी क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। ठीक है, और क्या है, गर्भ निरोधक दवा लेने से ये नष्ट हो जाती हैं, और प्रत्येक दिन 400 इंटरनेशनल यूनिट हमको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ। अगला देखिए, अगला कौन है, ई। जो विटामिन है ई, ई भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं, पहले जानते हैं कि इसका नाम क्या है। तो विटामिन ई को बोलते क्या है, टोकोफेरॉल। तो बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसको ना ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। आप सुन ही रहे होंगे नाम में क्या बोला, ब्यूटी, मतलब सुंदरता का विटामिन कौन है, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से हमारे चेहरे पर होता ना सुंदरता कम होता है, मतलब छाई हो जाता है, पता है जो ना वो। तो इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। किसको, विटामिन बी को। इसका खोज कौन किया था, इवांस कैथरीन। कौन दोस्तों, इवांस कैथरीन ने विटामिन ई का खोज किया था, और इस विटामिन जो होता है ना विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रिया को कम करता है। माने मर्द हलते लगता है हम लोग, क्या होता है कि एक उम्र होता है यंग का, एकदम मस्त दिखाई दे रहता है बंदा, जैसे जैसे उम्र ढलेगा ना तो ये झुलने लगता है, झुर्रिया आ जाती है। ठीक है, चेहरा पर। तो इसको कम करने के लिए विटामिन ई वाला क्रीम लगाता है लोग, देखिए ना बड़े बड़े जो स्टार लोग होता है पूरा मेकअप करके एकदम लगता है कि कितना यंग है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो विटामिन ए का अगर आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में है ना, मतलब कि आप ओके हैं, चेहरा ठीक रहेगा। ठीक है, और मेन चीज, अगर आपके शरीर में विटामिन ई का कमी है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अगर लेडीज में विटामिन ई का कमी होगा ना, वो बांझ बोलते हैं ना, बांझ समझते हैं, ऐसी औरत जो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, तो बांझपन की बीमारी हो जाता है। और मर्दों में क्या होता है, नामर्दी, माने वो मर्द, वो आदमी जो बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो विटामिन ए बबुआ बहुत जरूरी है हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, विटामिन ई का होना हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं गर्भपात, अंगता, अंगात क्या होता है, पोलियो, पेशियों का कमजोर होना इत्यादि, सब क्या विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, बांझपन हो जाता है, नामर्दी हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, अंगात यानी कि पोलियो हो जाता है, पेशियों की कमजोरी हो जाता है। ठीक है, सब क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। और इसको जो हम प्राप्त कहाँ से करते हैं दोस्तों, तो इसको प्राप्त करते हैं हरी पत्तीदार वाला आइटम जो होता है ना, हरी पत्ती वाला पालक हो गया, सब मैंने साग साग ठीक साग हो गया, और तेल हो गया, गेहूं हो गया, मांस हो गया, कॉटन बीज तेल। इसका जो है दैनिक मांग कोई अधिक नहीं है, मात्र 30 इंटरनेशनल यूनिट, कितना 30 इंटरनेशनल यूनिट जो है इसकी मांग होता है, किसका, विटामिन ई का। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। खोया कौन इसको, इवांस कैथरीन ने से खोज की। कौन खोज की दोस्तों, इवांस कैथरीन ने से खोज की। इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता वाला विटामिन। ठीक है, इससे क्या होता है, यह विटामिन से त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ती है, दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अधिक ऊष्मा में ये खत्म हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, अधिक ऊष्मा में विटामिन ई समाप्त हो जाता है। और कमी से होने वाला रोग क्या है, बांझपन, नामर्दी, गर्भपात, अंगात यानी पोलियो, और मांसपेशियों में कीटा वगैरह आता है, किसके, विटामिन ए की कमी से। प्राप्त स्रोत क्या है इसका, हरी पत्ती वाला सब्जी, तेल, गेहूं, मांस, कॉटन बीज तेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और दैनिक मांग कितना इसका होता है, 30 इंटरनेशनल यूनिट, कितना 30 इंटरनेशनल यूनिट क्या है इसका दैनिक मांग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और विटामिन के। देखिए विटामिन के का नाम क्या होता है दोस्तों, फाइलो क्यूनन, या फिर बोल सकते हैं क्या इसको, फेलविनो क्यूनन। ठीक है, फाइलो क्यूनन किसको बोलते हैं, विटामिन के को बोलते हैं। इसको खोजा कौन था, डैम और डोजी, दो लोगों ने मिलकर खोजा था, कौन, विटामिन के को। विटामिन के को खोजा है डैम, और विटामिन के टू खोजा कौन, डोजी खोजे थे। इसे एंटी क्या थी, एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं। ठीक है, हीमोरेजिक विटामिन जानते हैं आगे इसके बारे में कुछ और। तो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है कौन, विटामिन के। इससे क्या होता है ना, इससे कमी से होने वाला क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है शरीर में हमारे, मतलब अब बोलिए रक्त का थक्का क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर शरीर में विटामिन के कम हो जाएगा ना, तो मान लीजिए किसी कट गया हाथ मेरा, ठीक है, तो विटामिन के करता क्या है कि वहाँ आके थका जाएगा किसका ब्लड का, और वहाँ से ब्लडिंग बंद कर देगा,
यानी सिंपली कहा जाए अगर कि विटामिन के कम हुआ तो हमारा शरीर में शुगर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, शुगर बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये। और विटामिन के अधिक हो गया तो खून मोटा हो जाएगा, तभी दिक्कत है। यानी विटामिन के जो है हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि ना ये अधिक होना चाहिए और ना ये कम। जहां कम हुआ हम शुगर के पेशेंट हो गए, डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज उसके रोगी हो जाएंगे, ठीक है। कब, जब के कम होगा तब। तो के का अगर लेवल सही रहेगा ना तो आपको शुगर कभी नहीं होगा। देखते हैं ना, जो शुगर वाले रोगी होते हैं उनको अगर कहीं घाव हो जाता है जल्दी ठीक नहीं होता है। कारण क्या है, तो उनके शरीर में विटामिन के की कमी हो चुकी रहती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो कमी से होने वाला रोग कहता है रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और ताकत स्रोत क्या है दोस्तों, हरी सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, टमाटर खाइए, लीवर खाइए, गोभी खाइए, पालक खाइए, धनिया खाइए, मूली का ऊपरी भाग, मूली का ऊपरी भाग, ठीक है, और सोयाबीन इत्यादि। इस समय क्या होता है, विटामिन के प्रचुर मात्रा में रहता है, ठीक है। और यह जो विटामिन है ना, ये क्या है, एंटीबायोटिक्स और सल्फर औषधि के लगातार उपयोग करने से शरीर से नष्ट हो जाता है। तो अधिक एंटीबायोटिक यूज करते हैं आप ना, तो कम कर दीजिए, क्योंकि अधिक उसको यूज करने से, किसको, एंटीबायोटिक यूज करने से विटामिन के हमारे शरीर में कम हो जाता है। इसका दैनिक मांग कितना है, 0.001 ग्राम पर डे, ठीक है, पर डे कितना, 0.001 ग्राम, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं विटामिन के, इसका नाम क्या है दोस्तों, फाइलोक्यूनन, ठीक है। खोजा कौन इसको, डैम और डोजी ने। इसे एंटी हिमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए क्या है, बहुत जरूरी है ये। और कमी से कौन होता है जी, तो खून का थक्का नहीं जमता है, यानी खून जब कटौत करता है कहीं तो वहां पर उसको रोक नहीं पाता, ब्लडिंग होता रह जाएगा, ठीक है। और प्राथमिक स्रोत क्या दोस्तों है, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, लीवर, गोभी, पालक, धनिया, ठीक है, और मूली का ऊपरी भाग और सोयाबीन, ठीक है। और यह क्या होता है, एंटीबायोटिक्स और सल्फर जिसमें होता है इस दवा में, उसको लेने से ये खत्म हो जाता है। और इसका दैनिक मांग कितना है, 0.001 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे वो क्या था, वसा में घुलनशील विटामिन था, क्या था, वसा यानी कि फैट में जो घुल जाता है वो होता है उसमें था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये विटामिन क्या था है, जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन जी, बी और सी। तो सी तो हम लोग अभी करेंगे, लेकिन बी के लिए दोस्तों हम अलग से बनाएंगे एक वीडियो आपके लिए, क्योंकि बी जो होता है अपने आप बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग अलग से करेंगे। तो आइए पहले सी कर लेते हैं। देखिए विटामिन सी, इसे क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, किसको, विटामिन सी को। विटामिन सी जनरली होता क्या है, ये होता है ना एंटी एस्कर्वी होता है, क्या होता है ये, एंटी एस्कर्वी, एंटी रेबीज, एंटी कैंसर विटामिन भी है, विटामिन सी भी, ठीक ना, एंटी एस्कर्वी, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज, कौन है, विटामिन सी। आइए आगे जानते हैं। इसको जो खोज किए थे ना, उनका नाम क्या था, होलकट, क्या नाम दोस्तों, होलकट। तो विटामिन सी का जो खोज किए थे उनका नाम क्या था, होलकट, ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है, तो एस्कर्वी नाम का रोग होता है। अब बोलोगे एस्कर्वी कौन रोग का नाम है, अरे भैया कुछ बड़ा रोग नहीं है, ये देखता है मुंह, देखता है ना मुंह, मुंह में दांत जो होता है मसूरा है, मसूरा में से खून गिरने लगेगा, ओंठ में से खून गिरने लगेगा, ये होता है एंटी एस्कर्वी, क्या होता है, ये एस्कर्वी रोग बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये बहुत काम का रोग, यही सिर्फ नहीं करता है, बहुत कुछ करता है, देखते हैं। ये घावों को शीघ्र भरने के लिए सहायक होता है, कौन, विटामिन सी, ठीक है। यह समान हृदय धड़कन के लिए विटामिन है, माने ये धड़कन है ना, विटामिन सी कम हो जाएगा धड़कन क्या हो जाएगा, या तो तेज हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। क्या पाला हुआ, यह धड़कन समान रहे उसके लिए जरूरी है। यह शरीर में जो घाव होता है उसको भरता है, हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है, जो हमारे शरीर में जो ब्लड निर्माता है ना हीमोग्लोबिन, उसको भी ये सहायता करता है। और यह उष्मा और प्रकाश से नष्ट हो जाता है, तो उष्मा और प्रकाश में तो उसको रखना ही चाहिए। और आगे कमी द्वारा होने वाला रोग कौन है, मसूरों एवं दांतों से संक्रमण, ठीक है। और जानते हैं प्राप्त स्रोत क्या है, जितना भी खट्टा फल है ना, खट्टा आइटम जो भी है सब में विटामिन सी रहता है, जैसे आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, आलू, टमाटर, हरी सब्जियां, काली मिर्च, पत्ता गोभी आदि, ठीक है। और जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, कोई भी फल है और काट के हम छोड़ दिए इसको,
तो कहानी खत्म, मतलब उससे विटामिन सी गायब। लगभग सारे फल के जो ऊपरी परत होता है ना, ऊपरी परत उसमें विटामिन सी रहता है। और लोग करते क्या है, बहुत से लोग का, हम लोग भी कर लेते हैं, क्या करते हैं, आलू आलू देखिए, आलू देखिएगा कि आलू आदमी छील छील के खाता है, जैसे ही आलू छीला ना वहां से विटामिन सी खत्म हो गया उसमें, मतलब कि उसमें विटामिन सी अब खत्म हो गया नहीं है उसमें। तो आलू को छिली बात ना, छिले खाइए उसको। और कोई भी फल देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेब लेंगे ना, सेब सेब को पूरा एकदम छील लेंगे, छील के खाएंगे, छीले विटामिन खत्म। कितना लोग क्या करते हैं, अंगूर को भी छील खाते हैं, ऐसे छीलेंगे, क्या बात है अंगूर, क्या लुकिंग है इसका, छीलने के बाद बोलते हैं। उस बुजुर्ग को मालूम ये नहीं है, जैसे ही विटामिन को छीला अंगूरवा को, चाहे किसी भी फल को सब्जी को, मतलब कि उसका विटामिन सी खत्म। और एक ऐसा विटामिन है कि जब तक खाए हम, जब तक बाथरूम यूज नहीं किए, मतलब कि टॉयलेट नहीं गए, एक नंबर या दो नंबर जो होता है, तभी तक हमारे शरीर में है। खास करके बाथरूम कर दिए, विटामिन सी खत्म, ठीक है। और देखिए इसका उपयोग कितना है, मतलब कि सामान्य हृदय के लिए भी जरूरी है, घाव बड़े भरता यही है, हमारे जो हीमोग्लोबिन है शरीर में, हीमोग्लोबिन कंट्रोल करता कौन, यही है। और स्कर्वी रोग होता है जो, उसको भी यही रोकता है, ठीक है। तो और जो शराबी लोग होते हैं, शराबी जो पियकर लोग होता है, जो दारू खूब पीते हैं, सबसे अधिक उन्हीं में एक कमी होता है, किसका, विटामिन सी का। तो पियकर लोग से बोल दीजिएगा कितने कम कर दे पीना, क्योंकि उनके शरीर में विटामिन सी का कमी होता है। और विटामिन सी की कमी से एक दो रोग नहीं होगा, देख ही रहे हैं, धड़कन पर कंट्रोल नहीं रहेगा उनका, फिर क्या, घाव उनका जल्दी ठीक नहीं होगा, और क्या, हीमोग्लोबिन के निर्माण में कम हो जाएगा, और क्या हो सकता है भाई, तो दांत मसूड़ा से ब्लडिंग होने लगेगा, क्या हुआ, ब्लडिंग। और इसका जो है दोस्तों दैनिक मांग जो है वो कितना होता है, 4 mg, कितना है, 40 mg, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग इसको, खोजकर्ता कौन है, होलकट, इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। कौन खोजा इसको, होलकट ने, इसे एंटी एस्कर्बी या फिर एंटी कैंसर या फिर एंटी रेबीज विटामिन भी कहते हैं। यह समान हृदय क्या है, धड़कन के लिए जरूरी है, और यह घाव को क्या करता है, तुरंत भर देता है, और इससे हेमोग्लोबिन बनता है, मतलब उसमें सहायता करता है, और क्या, इसके कमी से मसूड़े और दांतों से ब्लडिंग होता है, क्या होता है, खून निकलने लगता है, और क्या भाई, तो यह ऊष्मा और प्रकाश में खत्म हो जाता है। दूसरा क्या, अगर इसको काट के छोड़ दिए, मतलब कोई भी फल है या सब्जी है काट के उसे छोड़ देंगे ना, तो अपने आप विटामिन सी गायब हो जाएगा। अगर सब्जी को फल को छील दिए ना आप, तब वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन सी क्या होता है, ऊपरी परत में जनरल होता है, ठीक है। और जितना भी खट्टा फल होते हैं दोस्तों, सब में विटामिन सी होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रुकते हैं, और आगे आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरा चैनल जीनियस क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक लोग को भेजिए। धन्यवाद।